मैं जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ ना वहाँ पे, मैं नहीं किसी को देखना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी कंडीशन ही है कि मैं आऊँ, मैं जाऊँगा ही तब जब मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त चलेंगे, क्योंकि ये सही बात है ना, अकेले क्यों परेशान हो, सबको परेशान करो। आई थिंक द ओनली शो दैट आई रियली रियली मिस इज खतरों के खिलाड़ी, एंड आई होप, आई डोंट नो इफ दे आर अलाउड टू टेक अस द थर्ड टाइम, क्योंकि डांस रियलिटी शो तो मैं फिर से अब जिंदगी में नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक वाई शुड आई डू समथिंग टू गेट नर्वस। आई गेस दिस इज करण वाई एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। एंड अब हमारे साथ है करण, जो फिलहाल चन्ना मेरिया में नज़र आ रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू बिगनिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आप किसी शो में काम करें, सीरियल में काम करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मज़ा आ रहा है? यार उतना ही मज़ा आ रहा है आई थिंक जितना पहले आता था। आई थिंक आई फील टेलीविजन इतना बदला नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न की वर्किंग्स तो वही हैं, हर रोज़ टीवी आता है, शोज आते हैं, तो यू नो यू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम्स एंड समटाइम्स फॉर लॉन्गर आवर्स देन यू नो जो आपको वेब या फिल्म में करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो लिमिटेड सीरीज़ होती है। बट इट्स फन, अगर मुझे मज़ा आ रहा है काम पर तो आई थिंक दैट्स वॉट मैटर्स, एंड आई फील द इंटायर वाइब ऑफ द सेट इज़ फन, एंड वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल। ओके, हाल ही में हम लोग नियति से बात कर रहे थे, उनको हमने पूछा कि आप कौन सा डिश करण वाही को नाम देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप पनीर टिक्का मसाला है, बिकॉज आप सॉफ्ट है पनीर की तरह, एंड जो आपकी फिजिक है वो काफ़ी मस्कुलर है, तो आप क्या उन्हें ऐसा कुछ टैग देना? जी नियति, अगर इफ नियति वॉज अ डिश, यार मतलब नियति, जितना मैं नियति को अभी तक मैंने जाना है, नियति पनीर टिक्का बैक टू यू, बट वो आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला कि उन्होंने एक सीन में मेरे साथ पनीर टिक्का बनाया था, बट आई थिंक नियति इज़ टू स्वीट, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ क्या होगा, बहुत स्वीट, क्या मतलब मुझे क्या ऐसा लगता है, आई थिंक वो ना एक्चुअली कड़ा प्रसाद वाला जो हलवा नहीं होता, जो आटे का हलवा होता है, नियति वो है, क्योंकि वो सर्व भी वही करती हैं शो में, और वो बहुत ऐसी स्वीट सी हैं, मतलब शी इज़ नॉट एक्स्ट्रा स्वीट एंड शी इज़ नॉट लेस स्वीट, शी इज़ परफेक्टली स्वीट, मतलब वो इतनी अच्छी हैं कि मतलब एंड आई थिंक दैट्स वॉट आई थिंक वीव यू नो रेजोनेटेड ऑन, क्योंकि हम बात भी करते हैं, हम काम के बारे में बात करते हैं, हम जनरली भी बात करते हैं, एंड समटाइम्स यू नो व्हेन टू स्ट्रेंजर्स मीट इट गेट्स रियली ऑकवर्ड, बट आई थिंक शी इज हेल्प मी बी वेरी नॉर्मल ऑन सेट, बिकॉज आई एम वियर्डली इंट्रोवर्ट, मतलब मेरे को या तो मैं बहुत बात करता हूँ किसी से, हमें इससे बात ही नहीं होती। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो रियलिटी शोज़ की बात करें तो कितना मिस करते हैं उनमें यू नो पार्टिसिपेट करना या होस्ट करना, क्योंकि फ़िलहाल आप चन्ना मेरिया कर रहे हैं? या मैं आई डोंट नो इफ रियलिटी शो बचा है कोई पार्टिसिपेट करने के लिए, आई डोंट थिंक सो कोई बचा है, क्योंकि डांस रियलिटी शो तो मैं फिर से अब जिंदगी में नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक वाई शुड आई डू समथिंग टू गेट नर्वस, लाइक आई फील एज अ कंटेस्टेंट ना यू आर ऑलवेज नर्वस कि बिकॉज यू आर बींग जज्ड ऑलवेज, लाइक इट्स लाइक इफ आई सी आई एम नॉट लाइक अ ग्रेट डांसर, अब अगर मुझे आप बोलोगे परफॉर्म कर दो तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है मेरे अंदर, मेरे अंदर प्रेशर क्या है कि अब आप मुझे जज करोगे और आप बोलोगे आपने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से इतना ही होता है, लेकिन आई डोंट मिस बीइंग अ कंटेस्टेंट, आई थिंक द ओनली शो दैट आई रियली रियली मिस इज खतरों के खिलाड़ी, एंड आई होप, आई डोंट नो इफ दे आर अलाउड टू टेक अस द थर्ड टाइम, दो बार तो कर चुका हूँ मैं, बट यू नेवर नो, एंड होस्टिंग आई मिस समटाइम्स, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू एक्ट मोर, दैट्स वाई आई फेल्ट मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्टिंग,
एंड होस्टिंग इज ऑलवेज समथिंग दैट यू नो आई जस्ट होस्टेड द HT अवार्ड्स, तो वो मैं कर लेता हूँ. ऐसा होता है कि मैं इसे अभी आपसे अगर माइक ले लूँ और मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, वो मैं अपना शौक पूरा कर लेता हूँ, ऐसा थोड़ा 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 करके कर लेता हूँ शौक पूरा. ओके, लास्टली बिग बॉस की बात करें तो आप कौन से अपने दोस्त को, चाहे टीवी इंडस्ट्री से हो या बिहाइंड कैमरा काम कर, किसी को नहीं देखना चाहता हूँ मैं वहाँ पे. किसी को नहीं देखना चाहता हूँ यार. मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट नो, दैट्स देयर कॉल, बट मोस्ट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स राइट नाउ आर वर्किंग. आई वॉज दी ओनली वन हु इज नॉट कॉन्स्टेंटली वर्किंग. आई वॉज दी ओनली वन हु इज नॉट लाइक यू नो कि अच्छा जी हर रोज काम है. बट मैं आई डोंट थिंक सो मैं किसी को देख, मैं जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ ना वहाँ पे, मैं नहीं किसी को देखना चाहता हूँ. बिकॉज मेरी कंडीशन ही है कि मैं आऊँ, मैं जाऊँगा ही तब जब मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त चलेंगे. क्योंकि ये सही बात है ना, अकेले क्यों परेशान हो, सबको परेशान करो. ओके, थैंक यू सो मच, इट वॉज फन टॉकिंग टू यू. थैंक यू, थैंक्स लॉट.